चलते हैं जीजी माँ के सेट पर, जहां उत्तरा देवी को मजा चुकाने के लिए नियति कर रही है तगड़ी प्लानिंग। जी हाँ, यहाँ उत्तरा ने रखा हुआ है व्रत और उसे परेशान करने के लिए नियति कर रही है कुछ नया प्लान। क्या है वो, आइए देखते हैं। सुरेश बेटा, मेरी आवाज आ गई। बेटा, मेरी आवाज आ गई। भाभी मतलब व्रत खराब था? हाँ, व्रत हम कभी लाई नहीं थी। मौन व्रत था ना बेटा, पूरा हो गया तो अब मैं बोल सकती हूँ, इसलिए कहा। बहुत अच्छा, और आज बता रहे थे कि आपने सिर्फ ना बोलने वाला नहीं बल्कि ना खाने वाला व्रत रखा। भाई चलिए कुछ खा लीजिए प्लीज। नहीं बेटा, मैं ये व्रत पूरे परिवार के साथ बैठ के खाऊंगी तभी तोड़ूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ फिर। जितनी भी चाल चलती है और उत्तरा देवी के होंठ चिपक जाते हैं तो अब वो उनको टेम्प्ट करने के लिए खीर बनाती है और जीजी माँ को खिलाती है। जीजी माँ को कैसा लगता है खीर जो नियति ने बनाया है? बहुत ही यम्मी यम्मी, क्योंकि मेरे से सीखी है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं फाल्गुनी उत्तरा देवी को टेम्प्ट करने की कोशिश करती है खीर खाकर। आपकी माँ के लिए बनाई थी पर उनका तो व्रत है ना, इस वजह से वो नहीं खा पा रही। नियम के हिसाब से तो आपको खानी चाहिए। अच्छा, तुमने माँ के लिए बनाई है? फिर मैं जरूर खाऊंगी। देखो अभी देखो।